जीरोन एटी जॉन पॉल साटर वॉज अ फ्रेंच फिलॉसफर फ्रेंच पेरिस में जन्म हुआ था इसका ठीक है फ्रेंच था फिलॉसफर भी था प्ले राइट भी था पोएट क्रिटिक वगैरह वगैरह सब कुछ था तो अब जॉन पॉल साटर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म में दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म इसमें मैं जॉन पॉल साटर और मार्टिन हाइडेगर की थोड़ी सी बात करूंगा ठीक है तो दोनों को मैं इसमें कवर कर लूंगा दोनों को मिलाकर ठीक है सबसे पहले हम यॉन पॉल साटर की जो हम बात कर रहे हैं तो इसका रिश्ता सिमोन दे बुहर से भी था और फेमिनिस्ट थी सिमोन दे बुहा आपने नाम सुना होगा फेमिनिस्ट भी थी और एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी थी वो तो उसके साथ इसका कुछ अफेयर वगैरह चल रहा था तो ये सारी चीज़ें भी है इसमें ठीक है तो बस ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने कि इनका अफेयर चला था थोड़ा सा याद करने में रिलेट करने में मज़ा आता है ना दो दो इतने बड़े राइटर्स का आपस में अफेयर चलना मुझे बड़ा मज़ा आता है कई ऐसे राइटर्स हैं जो मतलब किसी और राइटर की बेटी के साथ इसका चक्कर चल रहा है ऐसी चीज़ों को सुनने में जैसे लोग फिल्म की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं ना वैसे हम राइटर्स की दुनिया में इंटरेस्ट रखना चाहिए हमें लिटरेचर्स को तो सबसे पहले इसका मैं आपको बताता हूं इसने दो चीजों की बात की है एक है बैड फेथ अब लीप ऑफ फेथ सोरेन करगाट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियो में बैड फेथ और ऑथेंटिक लाइफ ऑथेंटिसिटी समझ लो आप अब देखो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था दैट व्हाट इज ऑथेंटिसिटी एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक लाइफ 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 क्या है life वो life है वो जिसमें आप बिल्कुल फ्री होते हो आप अपने हिसाब से जिंदगी जीते हो आप मतलब, you yourself, मतलब you, कि यू आर योर सेल्फ मतलब जैसे हो वैसा आप दिखा रहे हो दुनिया को और एक फ्री लाइफ जी रहे हो ठीक है आप खुश हो जिंदगी में ठीक है अपनी जिंदगी में जैसी आपने बनाई हो सुपरमैन वाला कंसेप्ट भी आ रहा है कहीं ना कहीं है ना तो एक्जिस्टेंशियलिज्म है सबके कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैच होते जाएंगे इसमें ठीक है अब ये बैड फेथ क्या कहता है बैड फेथ है बहुत ही ऑप्रेसिव ठीक है ऑप्रेसिव चीज जो है जब हम हमें लगता है कि नहीं यार नेट के लिए मेहनत नहीं होती इतनी मेहनत कौन करेगा फिर हम आंख बंद करके कि नहीं यार कर लेते हैं कोई बात नहीं तो मतलब हम जबरदस्ती कर रहे हैं खुद के साथ वी आर नॉट हैप्पी ठीक है हमें शौक नहीं है उस चीज को करने का लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं वो है हमारा बैड फेथ अब इसको ये आइडिया कहां से आया जीन पॉल हाटर एक रेस्टोरेंट में था सो ही सॉ अ वेटर ओवर देयर एंड वेटर वाज बिहेविंग लाइक अ वेटर ऑब्वियसली तो इसे लगा कि ये जैसे वेटर होते है, से, yes yes ऐसे करके बिल्कुल, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से तो इसे लगा कि यार ये वेटर क्या है ये एक फ्री आदमी नहीं है इसका क्या एग्जिस्टेंस है ही इज नॉट अ फ्री ह्यूमन बींग बट ही इज जस्ट अ वेटर ठीक है ये मजबूर है अपने रोल्स को अदा करने के लिए तो इसकी क्या लाइफ है कुछ नहीं है तो इसका बिल्कुल अपोजिट है ऑथेंटिक लाइफ का बिल्कुल अपोजिट है बैड फेथ ठीक है ऑपरेसिव की स्पेलिंग देख लेना ऑपरेसिव में डबल पी भी हो सकता है मैं चेक कर लेता हूं हाँ डबल पी होता है ठीक है ऑपरेसिव में डबल पी तो ऑपरेसिव मतलब कि जब आप खुद को मजबूर करते हो कि नहीं ये काम करना ही पड़ेगा ठीक है तो वो है आपका बैड फेथ और ऑथेंटिक तो ये ऑथेंटिक लाइफ ऑफ बीइंग पे ज्यादा स्ट्रेस देता है और इस पर कम तो बैड फेथ की ये बात करता है बैड फेथ बता दिया मैंने क्या होता है है तो इसको आपने याद रख लेना है. अब इसकी आ, मैं आपको कुछ बुक्स बताता हूं बींग एंड नथिंगनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बींग एंड नथिंगनेस ठीक है जी बींग एंड नथिंगनेस बीइंग एंड टाइम है मार्टिन हडेगर की उसी से इंफ्लुएंस होके ये बुक लिखी थी इसने बीइंग एंड नथिंगनेस मैंने पहले लेक्चर में भी बताया स्टार्टिंग वाले लेक्चर में एक्जिस्टेंशियलिज्म के सारे लेक्चर्स देख लेना तभी ये लेक्चर अच्छे से समझ में में आएगा ठीक है बीइंग एंड नथिंगनेस आया है 1943 में फिर इसने एक और बुक भी लिखी एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ह्यूमैनिज्म 1946 एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ ठीक है एक इसने और बुक भी लिखी है उसकी मैं लास्ट में बात करूंगा थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा लास्ट में क्या आपको बता ही देता हूं 1938 शायद ये पहली बुक थी इसकी नौसी नौजिया नौजिया इसकी प्रोनाशिएशन है एन ए यू एस ई ए ठीक है जी ये इतनी सी बुक आप अभी ध्यान में रख लो ठीक है चलो आगे चलते ये बुक्स लिख लो है ना बीइंग इन नथिंगनेस में इसने ज्यादातर कंसेप्ट की बात की है

तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में अब ये बात करता है जैसे कि मैंने बताया था एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या है पहले है एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस एसेंस पहले एसेंस बाद में इसने एक पेपर कटर का एग्जांपल दिया है पेपर कटर ठीक है तो इसने बोला कि दैट देयर इज अ क्रिएटर फॉर एग्जांपल आई एम अ क्रिएटर एंड आई आई एम फीलिंग अ नीड ऑफ अ पेपर कटर सो आई विल क्रिएट अ पेपर कटर ठीक है तो मुझे उसकी एसेंस पहले महसूस हुई तो मैंने उसको एग्जिस्टेंस में लाया ठीक है मैं क्रिएटर हूं मुझे जरूरत महसूस हुई कि यार पेपर काटने के लिए मुझे कुछ चाहिए ठीक है देन आई क्रिएटेड पेपर कटर ठीक है तो एसेंस पहले आई ये कब होता है ऐसा ये तभी होता है जब क्रिएटर हो लेकिन ये कहता है कि जो इंसान है ह्यूमन उसका कोई एसेंस नहीं था आप मुझे एक बात बता दो बस कोई एक फायदा बता दो कि इस प्लेनेट को हमारे एग्जिस्टेंस से क्या फायदा हो रहा है

एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है ये ठीक है ऑथेंटिक लाइफ ऑथेंटिसिटी ऑफ बीइंग वगैरह वगैरह एग्जिस्टेंशियलिज्म इसीलिए एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है कि ह्यूमंस का पहले एग्जिस्टेंस हुआ एसेंस तो हमने खुद क्रिएट किया ना बाद में ठीक है तो सबसे पहले जो है ह्यूमन का तो अब ये बोलता है कि अगर किसी चीज का एग्जिस्टेंस पहले है तो और एसेंस बाद में है इट मीनस देर इज नो क्रिएटर गॉड इज डेड वाली बात आ गई ना पिछली वीडियो में मैंने बोला है फ्रेडरिक निशे ने कहा है गॉड इज डेड नो क्रिएटर ये कहता है इफ देर इज अ क्रिएटर देन देर इज असेंस एंड देन कम्स एग्जिस्टेंस बट इफ देर इज नो क्रिएटर देन देर इज एग्जिस्टेंस फर्स्ट एंड देन कम्स दसेंस तो ये ह्यूमंस को यही बोलता है कि ह्यूमंस का जो है कोई एग्जिस्टेंस ही था पहले कोई असेंस नहीं थी ठीक है एग्जिस्टेंस Ex उनका पहले हुआ असेंस बाद में आई ठीक है तो ये एक एग्जांपल आपने याद रख लेना इसका एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स रियलिटी इसी लाइन पे इसी कंसेप्ट चलता है ठीक है ठीक है जी अब इसने कुछ बोला है मैं पढ़कर बता देता हूं वी आर लेफ्ट अलोन विदाउट एक्सक्यूज ये भी इसने बात बोली है वी कैन एक्ट विदाउट बींग डिटर्म बाय आर पास्ट विच इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम अस अब इसने ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिटी की बात की है ठीक है जी ऑथेंटिसिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिटी ठीक है ये कहता है डैट ऑथेंटिसिटी एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी इज नॉट अ थिंग विच कैन बी लर्न बट अर्न ठीक है ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिटी को अर्न करना पड़ता है यू कैन नॉट लर्न दिस ठीक है और क्या करना है आपको कि डेथ कॉन्शियसनेस एक इसकी टर्म है डेथ कॉन्शियसनेस ठीक है जी डेथ कॉन्शियसनेस जहां तक मैं समझ पाया उस टर्म को मैं अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इस पर इतना मटेरियल मिला भी नहीं पर जितना मैं पढ़ पाया समझ पाया मैं बताऊंगा आपको अब डेथ कॉन्शियसनेस के लिए क्या कहता है कि हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए डेथ कॉन्शियसनेस को क्यों ताकि हमें पता लगे कि हम जीवन में कर क्या रहे हैं मतलब हमें पता लगे एटलीस्ट कि हमें एक दिन मरना है हम कॉन्शियस हो जाए और हम ये चीज ढूंढने की कोशिश करें कि वट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव ऑन दिस अर्थ ठीक है और ये भी कहता है कि डेथ एक ऐसी चीज है जो हमें मतलब हम डेथ से पहले जी रहे हैं दुनिया के लिए ठीक है इधर उधर फंसे हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम में किसी ना किसी झंझट में हम फंसे हैं ठीक है थीके? तो ये कहता है कि डेथ ही एक ऐसी चीज है विच रिलीज अस और हमारी एक अलग एग्जिस्टेंस बनता है आउटर वर्ल्ड के लिए आफ्टर डेथ ठीक है तो ये बोल रहा है आफ्टर डेथ जो है हमारा एक पर्सनैलिटी बनती है हमारा एक एग्जिस्टेंस होता है महात्मा गांधी जब जिंदा थे तो किसने उनकी इज्जत नहीं की ठीक है वो बहुत लड़े दूसरों के लिए जिए लेकिन आज हम महात्मा गांधी को जानते हैं उनकी आज एग्जिस्टेंस है एक हमारा आउटर वर्ल्ड के लिए आज उनकी एक एग्जिस्टेंस है ठीक है तो डेथ कॉन्शियसनेस में थोड़ा पढ़कर आपको बता देता हूँ है ना अगर आप अब मेरा नहीं समझ पाए पाएंगे तो पढ़कर आप समझ लेना ये कहता है दैट वी नीड टू एक्सपीरियंस डेथ कॉन्शियसनेस सो एज टू वेकअप आर सेल्व ज टू वट इज रियल इंपॉर्टेंट ताकि हमें जागना है और इन आर लाइफ विच इज लाइफ एक्सपीरियंस हाँ इसने एक और चीज बोली है कि हमारी लाइफ में जो ऑथेंटिक है वो है हमारा एक्सपीरियंस हमारा तजुर्बा ना knowledge. मतलब कि नॉलेज मतलब की नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट ठीक है समझ गए तो इसने ये बात एक बोली है यह आपने याद रख लेना डेथ फाइनल पॉइंट व्हेन वी बीइंग्स सीज टू लिव फॉर आर लास्ट में हम अपने लिए जीना बंद कर देते हैं जब डेथ आती है हमें एंड परमानेंटली बिकम ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड परमानेंटली हम ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ही बना है ठीक है दिस वे डेथ एम्साइज इज बर्डन ऑफ आर फ्री इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस आप देखो तो जो डेथ है वो बर्डन है हमारी एक फ्री और इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर है, है हमारी फ्री और इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस पे समझ गए डेथ कॉन्शियसनेस बस इतना सा आप याद रख लो कि जॉन पॉल साइ अबाउट डेथ कॉन्शियसनेस ठीक है ज्यादा डीप अगर जा सकते हो समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी जा पा रहे हो तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है ठीक है तो ये आपका डेथ कॉन्शियसनेस हो गया अब इसने ना ये नोजिया जो मैंने वर्क बताया था इसमें ये एक बात बोलता है कि जितने भी हमारे आइडियाज है जो भी हमें आइडियाज आते हैं ना जो हमारे आइडियाज है वो हमारा जो लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ को वो उसकी वजह से आते हैं आर आइडियाज आर द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ आर रियल लाइफ ठीक है नोजिया में उसने ये बात की है तो एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में जितना इसने हो सकता था बात की है एग्जिस्टेंशलिज्म में बहुत बड़ा नाम है जॉन पॉल साटर का जोरन कर्गार्ड तो है ही इसका फादर और जेन पॉल साटर का भी काफ़ी बड़ा नाम है ठीक है तो फिलहाल जेन पॉल साटर का इतना अगर कर सकते हो तो काफ़ी है ठीक है बाकी और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो आप अपने लेवल पे और इसको एक्सप्लोर कर सकते हो नेट पे आप सर्च कर सकते हो इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हो इसकी और बुक्स पढ़ सकते हो ठीक है अब सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं एक वीडियो में बताऊं चलो जी अब मार्टिन हैडेगर की भी हमें हमने अभी बात करनी है ठीक है मार्टिन हाइडेगर ठीक है जी मार्टिन हैडेगर वॉज अ जर्मन फिलोसोफर और हर्मोन्यूटिक्स में बहुत बड़ा नाम है इसका फिनोमिनोलॉजी फिनोमिनोलॉजी में इसका बड़ा नाम है फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ थिंग्स नॉट द थिंग किसी चीज का प्रोसेस ना कि वो चीज ठीक है तो ये भी परसेप्शन पे चलती है कि परसेप्शन क्या है क्या एक्सपीरियंस है इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा जब मैं फिनोमिनोलॉजी की बात करूंगा ठीक है डिटेल में तब जाएंगे तो मार्टिन मार्टिनेगर ठीक है जी फिनोमिनोलॉजी और हर्मोन्योटिक्स में भी कह सकते हैं आप ये कभी और समझा देंगे दो चीजें है ना इसको अलग से कर लेंगे कवर जब भी टाइम लगेगा तो अभी आप फिलहाल ये समझो जिस पे हम फोकस्ड है अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म के पर्सपेक्टिव से हमने ये पढ़ना है तो मार्टिन ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है बीइंग एंड टाइम 1927 इसी से इन्फ्लुएंस होकर उसने वो लिखा था इसका मैं थोड़ा सा ही बताने वाला हूं आपको बींग इन टाइम नाइन ये वर्क है अब इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसका नाम है डेजियन

जो ह्यूमन बीइंग है जो हमारा बीइंग है हमारा होना है वो कैसे पॉसिबल है केयर के थ्रू केयर जो हमारा इंटरेक्शन है और लोगों से आर ऑफ डेजिन मतलब कि केयर के द्वारा ही संभव है डेजिन का होना मतलब हमारा होना केयर पे निर्भर करता है ठीक है तो इसका आप इतना सा ही याद रखो मार्टिन बीइंग एंड टाइम एक ये वर्क और डेजिन और केयर इसकी जो टर्म्स है ये याद रख लो काफी है ठीक है तो आज एग्जिस्टेंशलिज्म खत्म हो गया है ठीक है मेरी ओर से ठीक है जी ठीक है तो आप और एक्सप्लोर करना चाहो तो एटलीस्ट आप कई लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में कौन कौन लोग हैं ठीक है ये शायद कई लोगों ने नाम भी पहली बार सुना हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने भी पहली बार जब सुना था हमने उससे पहले कभी नहीं सुना था दो साल हमने एम की कभी यह नाम नहीं सुना बाद में सुना तो कई बार नाम भी बहुत होता है कई बार नाम आ जाते हैं कि बताओ

एब्सर्ड थिएटर को भी ऐड कर लूंगा उसमें एब्सर्डिज्म भी का ही पार्ट है लेकिन मैं उसको ड्रामा ऑफ एब्सर्ड उसमें ऐड कर दूंगा ताकि उसमें थोड़ा और कंटेंट आ जाए ठीक है उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा चलो जी एग्जिस्टेंशलिज्म खत्म अब देखते हैं क्या कवर कर पाते हैं हम इसके बाद फेमिनिज्म मार्क्सिज्म बच गया है पोस्ट कलोनियलिज्म बच गया है हमारा और हारमोनीटिक्स और ये स्टाइलिस्टिक्स वगैरह ये भी बचा है ठीक है तो जो कुछ भी बचा है धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा जिस हिसाब से टाइम लगेगा ठीक है थीके? चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल दाना मल्टी टास्कर इज द नेम और बाकी इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ जब तक है खुश रहो आबाद रहो किसी की जान किसी की प्रयाद रहो